लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 6 बार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। कल इन्होंने दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। सर, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। अब सवाल ये है कि कैसे आगे की रणनीति तय होगी, कैसे काम करें। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र चुनाव में हमारे हाईकमान ने दिया है, उसके एक एक बिंदु का पालन प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार करेगी। मथुरा की बात की जाए सर, वहाँ पर आपने जीत दर्ज की है। पिछली बार कुछ मंत्री वहाँ से और थे, लेकिन इस बार सिर्फ आपको दारोमदार वहाँ से दिया गया है। कितना अहम आप मानते हैं मथुरा को, ब्रज क्षेत्र को, और उत्तर प्रदेश में जिस विभाग की आप जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अगर वो विभाग फिर से आपको दिया जा रहा, क्योंकि सुगबुगाहट यही है, तो कैसे जो रुके हुए काम है उन कामों को पूरा किया जाए। देखिए, ऐसा है, हमारी जो पार्टी है वो हमारा कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित कार्यकर्ता है। हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी हमारा हर कार्यकर्ता निभाता है। मुझे एक नहीं, 8-8, 9-9 विभाग मेरे पास पहले रहे हैं। जो इस विभाग की जब जिम्मेदारी दी गई उसको हमने हमेशा निभाया है। अब के जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा और जन जन तक उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक आखिरी सवाल सर, इस बार थोड़ा विपक्ष भी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कुछ समस्याएं काम करने में होंगी या फिर आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई कुछ नहीं हमारे सामने? विपक्ष को तो पूरा सबक जनता ने सिखा दिया है, इसलिए हमें क्या समस्या होगी। समस्या तो जनता को हो रही थी, इसीलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। बात करने के लिए तो ये थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हमने विकास के पथ पर ही काम किया था और इस बार भी आने वाले 5 सालों में हम विकास के पथ पर ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 के कैबिनेट में इस बार भी 5 महिलाओं को शामिल किया गया है, उसमें से एक नाम गुलाब देवी का भी है। गुलाब देवी पिछली सरकार में भी राज्य मंत्री रही हैं और इस बार भी उन्हें सरकार ने यह जिम्मेदारी दी है। इस दौरान प्राइम टीवी ने गुलाब देवी से खास बातचीत की। गुलाब देवी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश सरकार में एक बार फिर से इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है और इस वक्त वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मैम, एक बार फिर से मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, प्रदेश के विकास के लिए आपको आगे बढ़ाया गया है, क्या रणनीति है, कैसे काम? हमारे लिए जो जगह दी है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, पार्टी की नीतियों का परिणाम है। आगे जो हमारे कार्यकर्ता चलेंगे वो विकास को लेकर चलेंगे और विकास के आधार पर ही हमारी सरकार प्रचंड बहुमत में आई है। पिछली सरकार आप ही लोग की थी, आप लोग काम उसमें कर रहे थे, बेहतर काम आपका विभाग भी कर रहा था। आपके विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें अगर बताई जाएं तो पिछली बार जो काम रुक गए थे क्योंकि अभी विभाग नहीं बटे हैं, अगर वही विभाग मिलता है तो किस तरह से उस पर बेहतर फोकस किया जाए? विभाग कोई भी मिले, जो काम हमारे रुके हुए हैं प्रत्येक विभाग में रुके हुए कार्यों को हम अंजाम देंगे। के विकास के लिए काम किया जाएगा, जनता के विकास के लिए काम हुआ है और जनता के विकास के लिए काम होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये गुलाब देवी जी थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी हम लोग जनता के विकास के लिए ही काम कर रहे थे और इस बार भी जनता के विकास के लिए ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। जौनपुर के सदर विधायक गिरीश चंद यादव को बीजेपी 2.0 में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले 2017 की भाजपा सरकार में गिरीश चंद यादव राज्य मंत्री थे। गिरीश चंद यादव ने से बात करते हुए कहा कि हम पिछले कार्यकाल से भी बेहतर काम इस बार करेंगे। गिरीश चंद यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, सरकार ने एक बार फिर से इन्हें जिम्मेदारी दी है और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब आगे के 5 साल जनता के लिए काम किया जाएगा। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं मंत्री जी आपको, अब आगे की क्या रणनीति? जो हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के काम अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे और नई योजनाओं को बनाकर उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे और इस 5 सालों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की आपको तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। इस संकल्प भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इस बार थोड़ी लड़ाई टफ है क्योंकि विपक्ष भी मजबूत है, कुछ ऐसा लग रहा है? कोई लड़ाई टफ नहीं है, कोई विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष तो मुंगेरी लाल का सपना देख रहा था, बिना लोकतंत्र के इस चुनाव में जब चुनाव हो जाता है मत पड़ जाते हैं और मतगणना हो जाती है और तब विजय यात्रा निकाली जाती है, तो हसीन मुंगेरी लाल का सपना जो देख रहे थे
वो उनका चकनाचूर हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था कि बिना चुनाव हुए, बिना मतगणना हुए विजय यात्रा प्रारंभ कर दी, तो उसी का इसका परिणाम है। वो चाचा भतीजे का नूरा कुश्ती का खेल है, वो सब एक हैं, और उनको जब उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में थे तब एक हैं, जब अलग हो गए तो मतलब सत्ता से जब अब वो हो गए तो अलग अलग बात करते हैं, और जब सत्ता को प्राप्त करना होता है तो एक हो जाते हैं। ये उनका नूरा कुश्ती का खेल है। बात करने के लिए तो साफ तौर पर इनका कहना है कि पहले भी हमने विकास के पथ पर ही काम किया था और इस बार भी विकास के पथ पर ही काम करेंगे, जनता के हित के लिए काम करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश को 5 साल में बदलने का काम हम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम। 2024 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्रमुख जगह दी है। उन्हीं में से एक नाम दिनेश खट्टिक का भी है। बता दें कि दिनेश खट्टिक पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे। इस दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश खट्टिक ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है। दिनेश खट्टिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने भी शपथ ली है और एक नई जिम्मेदारी इनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब रखी गई है। सर, अब कैसे आगे की रणनीति तय होगी, क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है, और पिछले 5 सालों में जिन कामों पर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, आने वाले 5 सालों में उन कामों को और कैसे प्रगति देंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा फैसला कल सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है कि हमारे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन और तेल, चीनी, नमक ये फ्री में दिया जाएगा 3 महीने तक। ये सबसे बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। अच्छा, बात करी जाए उत्तर प्रदेश की इस बार के नतीजों की, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बदलाव आए हैं। आप लोगों की भी जो सीटें थी वो कम हुई और विपक्ष इस बार थोड़ा मजबूत हुआ है। कहीं लगता है कि इस बार काम करने में विपक्ष अड़ंगा डालेगा, समस्याएं हो सकती हैं, या फिर आप लोग अपने पथ पर उसी तरह से चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे 5 साल और विकास के लिए काम करें? कोई समस्या नहीं है। 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में ये जनता ने साफ कर दिया है, केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत लहर है और ये आगे भी निरंतर चलती रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है इनका कि 5 साल भी हमने बेहतर ही काम किया था और इस आने वाले 5 साल में भी हम उत्तर प्रदेश सरकार के नीतियों के तहत जनता के विकास का ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जालौन में एक सड़क दुर्घटना हुआ है। जालौन से बड़ी खबर, जालौन में एक सड़क दुर्घटना हुआ है। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे योगेश मौर्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे हैं योगेश मौर्य। योगेश मौर्य की कार का एक्सीडेंट हुआ है, कालपी थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लड़के हैं, उनके बेटे हैं योगेश मौर्य। इनका सड़क दुर्घटना हुआ है, सड़क दुर्घटना में बाल बाल बचे योगेश मौर्य। योगेश मौर्य की कार का एक्सीडेंट हुआ है, सड़क दुर्घटना हुई है, कालपी थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम के लड़के योगेश मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के लड़के योगेश मौर्य की सड़क के साथ सड़क दुर्घटना हुई है। योगेश मौर्य के कार का एक्सीडेंट हुआ है, कालपी थाना क्षेत्र में यह एक्सीडेंट हुआ है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ पूरी खबर है और जो योगेश मौर्य है वो कहां जा रहे थे और क्या वजह है दुर्घटना की? जी, पिछला अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य के बड़े बेटे आज सड़क मार्ग से कालपी के लिए निकले हुए थे। योगेश मौर्य वो मंदिर जा रहे थे और मंदिर जाते में ट्रैक्टर और उनकी जो निजी गाड़ी थी उसमें एक टक्कर हुई। पीछे से टक्कर काफी तेज थी जिसमें वो काफी उनके कोई खास नुकसान नहीं है, मगर गाड़ी टूट गई है और उन्हें हल्की फुल्की चोट आई है। और जालौन के कालपी में ये हादसा हुआ है। वहीं आपको बताएं कि ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर लगने से गाड़ी में लगभग 4 लोग बैठे थे और सब सुरक्षित है और मामूली सी चोट आई है। जी, जानकारी के लिए विभांशु।
भाजपा के प्रचंड जीत के साथ 37 साल बाद इतिहास दोहराते हुए सूबे की सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, जबकि योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी गई है। इस दौरान बृजेश पाठक और केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया है, जबकि कई अन्य दिग्गजों को भी योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं योगी के मंत्रिमंडल में मौजूद सियासी धुरंधरों की राजनीतिक पारी पर। योगी सरकार 2.0, मंत्रियों का सियासी सफर। योगी ने थामी सूबे की कमान। संगम नगरी से शुरू हुई केशव मौर्य की पारी। ग्रहणी से मंत्री बनी बेबी रानी मौर्य। 33 साल से अजय है विधायक सुरेश खन्ना। योगी आदित्यनाथ का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में 5 जून 1972 को हुआ। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैद्यनाथ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में हुई। माता पिता को बिना बताए गोरखपुर जा पहुंचे, जहां सन्यास हरण करने का निश्चय लेते हुए उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। इसके बाद गोरखपुर सीट से चुनाव जीतने के बाद योगी 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। साल 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे, लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी, जिसके बाद योगी के शानदार 5 साल के कार्यकाल के बाद एक बार फिर से जनता ने योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान थमा दी है। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले बृजेश पाठक ने छात्र जीवन से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और साल 2022 में उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य में डिप्टी सीएम जैसा अहम मुकाम हासिल किया। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में कानून मंत्री रहे थे। पाठक लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष रहे थे, जिसके बाद पाठक राजनीति की ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ने लगे। साल 2022 कांग्रेस ने उन पर दाम लगाया, जिसके महज 2 साल बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर अंत में यानी कि साल 2016 में बृजेश पाठक भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में पाठक को लखनऊ मध्य क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में पाठक ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को पराजित कर ये सीट जीत ली। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से हुई, जब वे 2022 में स्थानीय माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और 7000 मत पाकर 4th स्थान पर रहे।
बाद में 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र सिराहतों से पहली बार विधायक चुने गए। उस समय वो इलाहाबाद मंडल के चारों जिलों इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर से इकलौते भाजपा के विधायक चुने गए थे। साल 2013 इलाहाबाद के केपी कॉलेज में ईसाई धर्म प्रचारक के आगमन के विरोध का नेतृत्व करते हुए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हुए। अप्रैल 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उनके ही नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भले ही मौर्य को पल्लवी पटेल के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एक बार फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया है। साल 1995 में बेबी रानी मौर्य का भाजपा के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। इससे पहले वे घरेलू महिला थी। पार्टी में आते ही उन्हें मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया था। वे आगरा की पहली महिला मेयर बनी थी, जिसके बाद वो राजनीति में सक्रिय रही। साल 1997 में बेबी रानी मौर्य को भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष बनाया गया था। साल 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया था। 2018 में उन्हें बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया था। वे उस समय विदेश में थी। जब तक पदभार ग्रहण करती तब तक राज्यपाल के लिए उनकी घोषणा हो गई थी, जिसके बाद साल 2018 में उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया। और अब साल 2022 में बेबी रानी मौर्य को योगी के मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। यहां से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पिछले 33 सालों से लगातार 8 बार से विधायक हैं। सुरेश कुमार खन्ना यहां से 1999 में पहली बार विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए थे। साल 1991 में सुरेश कुमार खन्ना दूसरी बार निर्वाचित हुए और कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए। साल 1999 में शुरू हुआ सुरेश कुमार खन्ना की जीत का सिलसिला। 1993, 1996, 2002, 2007 और 2012 और 2017 के चुनाव में भी जारी रहा। ये सिलसिला इस साल के चुनाव में भी जारी रहा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति के सफर में अहम मुकाम हासिल करने वाले ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनको शुरुआती जीवन से ही राजनीति ने अपनी तरफ खींच लिया। तब से ये नेता राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनकी सक्रियता और लोकप्रियता का ही नतीजा है कि इन सभी सियासी धुरंधरों के हाथ में प्रदेश की कमान सौंपी गई है। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट मीटिंग लोक भवन में हुई। बैठक में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अगले 3 महीने तक और देने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस राशन योजना के दायरे को और बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी में चुनाव नतीजे के आने के बाद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उनके साथ दो उप मुख्यमंत्रियों बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही एक बार फिर से देश के खबर का नौ से है, जहां पूर्व कमिश्नर असीम अरुण को भाजपा सरकार ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना है और राज्य मंत्री बनने के बाद असीम अरुण ने सोशल मीडिया के माध्यम से कन्नौज की जनता को धन्यवाद दिया। बता दें असीम अरुण कमिश्नर पद को छोड़कर भाजपा से विधायक बने हैं। कन्नौज के सभी सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम, जय हिंद। मुझे आपको बताते हुए, आपसे शेयर करते हुए खुशी है कि आपके जनप्रतिनिधि को और आपको सम्मान देते हुए योगी जी ने मुझको अपने मंत्रिमंडल में एक स्थान दिया है और आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई शाम को। जैसे ही मुझे पहला अवसर मिलेगा मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा कन्नौज आदरणीय योगी जी का आभारी है कि उन्होंने कन्नौज को सम्मान दिया और कन्नौज के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में स्थान। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नाराज लोगों ने मृतक के शव को बीच सड़क पर रखकर गुस्साए लोगों ने इस मामले में मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस के समझाने के बाद परिजनों ने जाम हटाया और शव को अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। वहाँ सिक्स लाइन पर घास लगावे गई रहा है और 9-10 लोग रहे और हमें महतारे कही रहा है और अलीम चलावत रहे और अलीम से कहें कि भैया रुक जाओ, गड्ढा है, उतर जा दियो, लेकिन इन्होंने रुका नहीं और लेके गए। ट्रैक्टर जाए भरे का रास्ता नहीं रहा वही के, लेकिन फिलहाल लेके गए और ट्रैक्टर ट्राली पलट गया। हम अम्मा वही की तरह दबाए गई, ख़त्म हो गई और कहा कि 9 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। तो आज उनकी लाश आई है घर पर? कल शाम का आई है सर। प्रशासन से हम सहायता चाहते हैं कि सख्त सख्त कार्रवाई होए। और किस पर कार्रवाई? जो ट्रैक्टर पलट दिया है हलीम के जी। और क्या चाहते हैं? और हम लोग को कुछ मदद हो जाए। खबर का नौ से है, जहां जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अव्यवस्था देखी सीएम का पारा चढ़ गया और व्हीलचेयर पर बुजुर्ग खुद महिला मरीज को लेकर पहुंचा इमरजेंसी वार्ड। वहीं स्टाफ की लापरवाही देखकर सीएमएस ने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। ये रूटीन निरीक्षण था, मैंने इमरजेंसी में निरीक्षण किया तो वहाँ पे आज काफ़ी भीड़ भी है शनिवार के नाते, तो वहाँ पे कुछ घायल भी थे और कुछ इमरजेंसी मरीज भी थे। लेकिन एक बहुत आपत्तिजनक बात हमको मेरे संज्ञान में आई कि एक पेशेंट को उनके अटेंडेंट जो है व्हीलचेयर में लेके जा रहे थे। मैंने तत्काल जो वार्ड बॉय नामित है उनको बुला के इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं, उनको चेतावनी भी दी जाएगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद को लेकर बल्लभगढ़ में मार्केट कमेटी ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मार्केट कमेटी के सचिव ने कहा है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रजिस्टर्ड किसानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आप कौन सी फसल लेकर आए आज मंडी में, बल्लभगढ़ मंडी में? सरसों लेकर आए हैं जी।
तो मतलब क्या रेट में आपने बेची है यहाँ पर? 6,450 बिकी है जी। तो सरकार का MSP तो कम है, फिर कैसे? ये तो अपनी बोली से लेते हैं ना जी। अपनी बोली, तो मतलब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था? हाँ जी। तो यहाँ पे वैसे सरकार की तरफ से देखा जाए तो क्या क्या सुविधाएं यहाँ किसान को मिलती है? सरकार को सुविधा तो अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं मिल रही। किसान 5 साल फार्म भरने पर रहता है, बाद में कुछ नहीं मिलता। मंडी में लेके आते हैं तो उसका भाव कुछ मिले नहीं है, फिर आड़त जब भी लेते फिर और कम में लेते हैं उसे। मतलब किसान को किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा नहीं मिलती। तो रजिस्ट्रेशन कराने का ना कराने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं है किसान को। सरसों तो कोई यहाँ पे कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। तो किस रेट में मतलब बेच रहे हो अभी? जो रेट है 6,000 के आसपास है। तो सरकार का तो रेट जो MSP कम है? 5,050 है। तो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ कराया? कुछ नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन वगैरह। क्या क्या मानते हो रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आप? भैया रजिस्ट्रेशन पिछला मक्का का कराया था, 918 रुपये क्विंटल का भाव था, 900 रुपये क्विंटल मक्का को हम बाजार में घेर के गए। ये रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं मिला हमें। 7,000 रुपये पड़े करके लिए कहा सरकार ने, कोई धान मत बो मक्का बो ना, वो 7,000 रुपये मिले। सरकार के सारे दावे फेल? हाँ बिल्कुल फेल है भाई। देखो जी ऐसा है, सरसों इस टाइम आ रही है, सरसों का MSP जो है सरकार ने 5,050 रुपये प्रति क्विंटल के दर के हिसाब से निर्धारित किया हुआ है, परंतु इस बार सरसों जो है MSP से काफ़ी अधिक ऊँचे भावों बिक रही है, तो इसलिए किसान को किसी भी प्रकार की कोई बेचने में या किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। सरसों जिस टाइम 6,400-6,500 रुपये तक सरसों बिक रही है, सरकार से काफ़ी अधिक ऊँचे भाव सरसों बिक रही है, इसलिए सरकार को तो सरसों मिलने का कोई इस टाइम मतलब लगता ही नहीं कि सरसों मिल जाए सरकार को, क्योंकि किसान को काफ़ी अधिक ऊँचे दामों भाव इसके मिल रहे हैं। तो दो किसान हैं सरसों लेके आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करने वाले किसान हैं या वैसे ही देने रहे हैं? देखो जब अब जो रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, जो सरसों प्राइवेट बिक रही है उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का औचित्य रह नहीं जाता, ये तो खाली फॉर्मेलिटी रह जाती है रजिस्ट्रेशन की, उसमें कोई बात नहीं है। सरसों सारी जब भी सब पक्के पैसे जो भी आ रहा है उसकी एंट्री होती है, कोई बात नहीं है। अप्रैल से गेहूँ की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, और जो हर साल व्यवस्था बनाई जाती है सरकारी खरीद के लिए वो हमने पूरी तैयार कर दी है। गेट पे गेट ऑनलाइन गेट पास कटेंगे, मेरी फसल मेरा पर जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसी की फसल मेरी इस MSP ऊपर बिकेगी। क्योंकि इस वक्त तो स्थिति ये है कि अगर नहीं करवाया है तो फसल MSP पे नहीं बिक पाएगी, लेकिन अगर भविष्य में सरकार रजिस्ट्रेशन की सुविधा दोबारा से चालू कर देती है तो रजिस्ट्रेशन करवा के अपना भेज जाओ। तो कौन कौन सी एजेंसी है जो खरीदेंगे? अभी तक कोई निर्धारित नहीं किया जी सरकार के द्वारा इस मंडी के लिए। किसान आएंगे अपनी फसल को लेके, उनके लिए यहाँ पे मंडी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी है? मंडी की तरफ से तो जी पीने का पानी है, टॉयलेट है, किसान रेस्ट हाउस अगर किसी को रुकना है तो किसान वो, हाँ जी वो अपना बुकिंग करवा के वहाँ रुक। गेहूँ का MSP 2,015 रुपये प्रति क्विंटल है, सरसों का 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है। हमारे पास दो ही चीज़ बिकेंगे। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बता दें कि पुलिस ने तस्कर को शिवली नदी के पास से 2 प्लास्टिक की बोरियों में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद युवक पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया और मामले में अन्य जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। खबर बदायूं से है, जहां सड़कों की बदहाली से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई, लेकिन फिर भी सड़कें बेहाल हैं। इसमें दिक्कतें तो बहुत रहती हैं, अभी इलेक्शन में भी हमारे यहाँ फोर्स रुकी थी तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी। यहाँ से नगर पालिका से भी वहाँ ईंट वीट डाल करके उसको थोड़ा सही किया गया था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा आता है कि वो उसका फ्लो रुकता नहीं है, तो इसलिए दिक्कत तो होती है। बच्चे भी बेचारे पैर गंदे हो जाते हैं उनके, यहाँ आकर के नल पे धोते हैं पानी। ऐसे हम लोग भी बाइक से आते हैं, लेडीज स्टाफ आता है तो वो भी बड़ा दिक्कत होती है। हमारा जेंट्स स्टाफ जा करके उनको बाइक से रिसीव करता है, लेकर के आता है। अब तो उसमें और ईंट पत्थर डाल दिए गए हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, बाइक निकलने में भी दिक्कत होती है, आपने देखा होगा। शिकायत क्या है, इसको सही करने के लिए हमने मांग करी थी, हालांकि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी हमने एक पत्र भेजा था उस समय पर, और नगर पालिका में भी सूचना दी थी इसकी, हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया। वो जब यहाँ पर फोर्स वगैरह आई थी इलेक्शन में रुकने के लिए तो उन्होंने पत्थर वगैरह ईंट वगैरह डलवाए थे, टुकड़े वगैरह डलवा दिए थे, लेकिन फ्लो भी रुक नहीं पाया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां SOG टीम को बड़ी सफलता मिली है। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश किया है और आरोपियों के पास से 3,50,000 के आभूषण और 69 लाख नगदी समेत भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्षों के निमंत्रण के बाद आज से 30 मार्च तक मालदीव और श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा करेंगे। जानकारी के अनुसार जयशंकर 26 से 27 मार्च तक 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज मालदीव पहुंचे, जिसके बाद 28 मार्च से श्रीलंका की 3 दिवसीय यात्रा करेंगे, जिसमें 29 मार्च को जयशंकर बिम्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री मालदीव के अडू शहर का दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करेंगे और मालदीव के अपने समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ भी बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।